क्या रेसर, वो जो मिसिंग हो रही है उसकी वजह से बाइक बंद हो जाती है। तो देख लो ये है DLGM की मोटर भाई, इतना खतरनाक प्रेशर आ रहा है ना, आरएस एकदम ब्रूटल हो रही है इस टाइम, बहुत गंदी। ऑटो सेंटर ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और जिस पर मैं ऑटो सेंटर में मैं आया हूँ अपनी RS के साथ, और एक RS ये आई है अपनी हर्ष भाई, ठीक है। ये हर्ष भाई हमारे ग्रुप के राइडर हैं अभी, तो आपको जरूर बताऊँगा इसमें क्या क्या कमी आई है, क्योंकि अभी देखो काफ़ी पैसा लगा चुका हूँ ऑलरेडी, और बाइक में इशूज ना मिसिंग के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मेरी RS में भी और ये भाई की RS में भी। अब देखो जो भी सिनेरियो बनता है ना, मैं आपको दिखाऊंगा भाई स्टेप बाय स्टेप क्या सीन होता है। भाई की बाइक भी अब देखो अब खुलने जा रही है, और मुझे तो यार वैसे लग नहीं रहा कि फ्यूल पंप का इशू है। अब जो इनका फ्यूल पंप का टूल है वो पता नहीं भाई ने पता नहीं कहाँ दे रखा है, कह रहे फ्यूल पंप का टूल आएगा उसके बाद चेक करवाएंगे। तो भाई देख लो मोटा खर्चा हो रहा है, लॉक लग रहा है भाई सारे, एक तो पीछे का लॉक लग रहा है, इसका टैंक का लॉक, और ये वाला इसका हैंडल लॉक, भाई तीनों लॉक लग रहे हैं ओरिजिनल बजाज के भाई लाया है यहाँ पर खरीद के, देखो आप। और भाई तीनों लॉक चेंज हो रहे हैं, जब तक कि यार फ्यूल पंप का काम होता है एक्चुअली उसका टूल जो है ना कोई ले गया है। गाइस फाइनली भाई आ गया, देखो हमारा जिसका इंतज़ार था, तो ये फ्यूल पंप का प्रेशर नापने वाला भाई मीटर है, इसका इंतज़ार कर रहे हैं भाई 1.5 घंटे से। भाई हमारे सब्सक्राइबर चेक कर रहे हैं उधर, ठीक है ना, और उधर चल रहा भाई फिलहाल लॉक सेट का काम। और ये जो हमने बॉश की मोटर डलवाई थी चाबी, ये रही चाबी भैया, भाई चेक हो रहा प्रेशर। भाई सुई अटक गई क्या प्रेशर, मोटर प्रेशर ही है तो मिसिंग क्यों दे रही है फिर। भाई ये बता रहे मोटर का प्रेशर सही है भाई, राज पे पंप भी आ जा रहा है यार, तो मीटर पे भाई प्रेशर आ रहा है वो तो पूरा 3 बार का आ रहा है, तो कहने का मतलब फ्यूल पंप अपना ठीक है, पर जब हम यहाँ पे RPM हल्का सा जब इसको रैव कर रहे हैं ना, तो गाड़ी पहले एक नीचे को आती है फिर ऊपर को जा रही है सुई, वो जो मिसिंग हो रही है उसकी वजह से बाइक बंद हो जाती है। उस वजह से क्या हो रहा है कि जैसे ट्रैफिक में हो तो यूँ करो हल्का सा और बंद बाइक, देखो ऑन कर दी भाई, और ऑन करने पे भाई प्रेशर दिखा रहा है 300 ऊपर का, ये देख लो ठीक है ना भाई, तो भाई 300 ऊपर का प्रेशर दिखा रहा है फिर भी मिसिंग मार रही है, हैं भाई की मोटर का प्रेशर चेक कर रहे हैं, और मोटर का प्रेशर बता रहा भाई 3 बार से कम का, 3 बार से कम का प्रेशर आ रहा है पूरा। फिलहाल इंजेक्टर निकल गया है, और इंजेक्टर क्लीन करने का जुगाड़ बना रहे हो भाई, वो इंजेक्टर क्लीन करेंगे लाइक वो जो क्या करते भाई, जैसे तरुण ने बना रखा था बैटरीज़ को कनेक्ट करने के बाद वो जो एक टूल होता है उसमें हम फ्यूल इंजेक्टर को इंसर्ट करने के बाद थ्रॉटल बॉडी स्प्रे से उसको पास करवाएंगे, तो वो फ्यूल इंजेक्ट करेगा उसमें से, फ्यूल बोलाऊँ क्लीनर इंजेक्ट करेगा तो जाके वो क्लीन होता है। को भाई भी अपनी बाइक पे लगा हुआ फुल मेहनत से, इसको भी करना है। इसकी मोटर का जो प्रेशर है ना भाई वो करीबन आप मान के चलो यहीं पे आया, देखो जहाँ पे आप देख रहे हो ना इतना ही आया इसका, 2.5 के आसपास, जबकि 3 आना चाहिए, तो मोटर में दिक्कत है, मोटर करेंगे फिलहाल चेंज। पीली RS है उसमें फ्यूल पंप लगेगा, DLGM की मोटर इंस्टॉल करवाएंगे। भाई विश्वकर्मा हो गया ना तुम, भाई से काम जरूर कराना भाई, एक नंबर काम करते हैं। अभी देखो हमारा फ्यूल पंप इंस्टॉल करेंगे इसमें, और DLGM की मोटर लगेगी भाई, बाइक बनेगी रॉकेट। दोस्तों देख लो ये है DLGM की मोटर, ठीक है, अब इसमें देखो ओरिजिनल ब्रांडिंग है, 1022 लिखा हुआ है, और ये इस तरह की होती है मोटर, ठीक है ना। इसको डालेंगे फिर इसका प्रेशर चेक करते हैं, देख लो ये एक्चुअली होता क्या है, मोटर को ना इसमें होल उसको बड़ा करने के लिए हॉट गन से उसको बाद उसमें क्लैंप लगेगी, तब उसकी फिटिंग ना एकदम प्रॉपर बैठेगी भाई। मोटर हो चुकी है इसमें फिट फिलहाल, फ्यूल पंप असेंबली में देख लो, और अब जाके हो जाएगा टैंक में इंस्टॉल। फ्यूल पंप की मोटर लगवाई DLGM, और मीटर का प्रेशर चेक करो गाइस, मतलब मीटर का प्रेशर देखो आप अभी, देखो नॉर्मली प्रेशर देखो आप कितना है भाई, इतना खतरनाक प्रेशर आ रहा है ना भाई, कैसा लग रहा है भाई अब सीधा हवा में जाने वाली, भाई ने मोटर फिट कर दी। ये वाली
अब फिलहाल खुल रहा है इस वाली आरएस का टैंक, और जो पुरानी मोटर हमने लगवाई थी बॉश की, एक बार चेक करेंगे यार उसमें बॉश की ना मोटर किस तरीके से फिटमेंट थी। और अभी हम इसमें डीएलजीएम लगवाएंगे बॉश को हटवाने के बाद। सेटअप बहुत क्लीन लग रहा है, बट इसको हम क्लीनिंग फिर भी करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं यार कहाँ से क्या लूज़ है क्या है, फिटिंग देखते हैं इसकी ना, चेक करेंगे। भाई फाइनली देखो यार मोटर हो गई है फिट पूरी, और भाई अब इसको टैंक में इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बाइक में क्या प्रेशर आता है। हर्ष भाई कैसा लग रहा है काम? भाई एक नंबर काम लग रहा है, भाई को बोल रहा है भाई कर काम। भाई की जो येलो आ रहा है भाई, कसम से 4 के आसपास प्रेशर मार रही है, मेरे को तो पता भी नहीं भाई अब क्या ही होने वाला। चलो देखते हैं गाइस, कंटेंट तो मिलता ही रहेगा आपको, बस ये देखने के लिए बने रहिएगा बस चैनल पे गाइस, कि भाई बाइक क्या परफॉर्म करती है इसके बाद। और भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और भाई को कर दो लाइक। भाई जिनको भी काम करवाना भाई एकदम विश्वकर्मा पे तुरंत आ जाना, भाग भाग के एकदम आरएस लेके। भाई की शक्ल याद कर लो, पूरा ही देख लो भाई, विश्वकर्मा ऑटो सेंटर है। एक नंबर काम करते हैं गाइस, एक नंबर मतलब सेटिस्फेक्शन का जो काम होता है ना भाई, वो यहाँ देखने को मिला मुझे आज। गाइस ये देख लो भाई, प्रेशर टूल, फ्यूल पंप का प्रेशर गाइस इससे चेक होता है, एक नंबर टूल ले लो। बाइक हो चुकी है पूरी पैक, और बाइक में लग चुकी है अभी डीएलजीएम की मोटर। भाई वो वाली जो बाइक है उसमें अभी फ्यूल इंजेक्टर साफ होगा। भाई काम हो चुका है, अब फटाफट से हवा भरवाते हैं। भाई तुमने एकदम एक नंबर काम करा है भाई ने, शुक्रिया भैया। एक बार हवा भरवा लेते हैं, उसके बाद यार सीधा सीधा घर पर चलते और रिव्यू करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। सो गाइस अपना काम हो चुका है, भाई पीछे है और विश्वकर्मा सब निकल रहे हैं। भाई बाइक हो चुकी है टनाटन और सीधा निकलता है घर के लिए। 51 किलोमीटर दिखा रहा है यार, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। आर एस एकदम ब्रूटल हो रही है इस टाइम, बहुत गंदी बहुत गंदी। देख रहे हो आप क्या ही ओवरटेक लिया है हर्ष ने। सो हर्ष के बारे में बताया था हूँ, ये भाई अपने ग्रुप में नया राइडर है, तरुण भाई के थ्रू आया हर्ष अपने ग्रुप में, और हम लोग दोनों साथ में गए थे मोटर का ही काम करवाने यहाँ पे फ्यूल पंप का। यहाँ से हम आपको दिखाते हैं बाइक के ब्रूटल एक्शन। भाई अंधी भागने होती है अरे भाई, आप देख रहे हो भाई अलग ही आवाज चल रही है भाई, अलग ही। इतना प्यारा लग रहा है व्यू सामने की तरफ, करोल बाग की तरफ से निकल रहे हैं, करोल बाग उधर की साइड है।